1300 से अब चल रहा है 2022, तो इनकी मजबूती का क्या राज है? लगभग 700-800 साल, 700-800 साल खड़े रहे ना। आज की बिल्डिंगे देखो, एक साल में, दो साल में, ज्यादा से ज्यादा 15। जैसा आज देख रहे हैं, आज हम घने जंगलों में हैं। इसके पीछे एक छिपा हुआ है बहुत पुराना किला, चल के देखते हैं क्या है। बेसिकली आप ये जो पीछे इमारतें देख रहे हैं और ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये जाती है हमारे तुगलकाबाद किले की ओर। इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं और दिलीप और साथ में हमारा एक भाई जो कि हिस्ट्री का बहुत बड़ा ज्ञाता है, ये बताएगा हमें कि कैसे तुगलकाबाद था, कौन यहाँ पे रूल कर रहा था और क्या अभी तक हो चुका है और क्या बचा है, देखते हैं चल के। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, क्या पता गेट क्लोज ना हो गया हो, क्योंकि हम आए हैं शाम के टाइम पर। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। इसके लिए आपको आई थिंक कार्डियो करके आना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अगर एंट्री मिलती है तो देखेंगे आगे। देखो भैया, चढ़ के खुला है, चलिए देखते हैं। तो दिलीप भाई आप आए हैं, तो आप क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं इसमें? दिलीप भाई आप क्या देख रहे हैं और क्या बताना चाहेंगे? जैसा देख पा रहे हैं आप, ये अंदर का व्यू है और यहाँ पर लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है। बस यहाँ पे कुछ फूल पेड़ यही जिंदा रखे गए हैं और सारा किला एक लगभग खंडर हो चुका है। अब हम पूछेंगे कि ये कब बना था, कौन यहाँ रूल कर रहा था, अपने अनिल भाई से। तो बताइए भैया, कब क्या कैसे इसका शासन हुआ था, कौन यहाँ रूल कर रहा था? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये किले की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। लगभग 1321 और 1325 के बीच में इस किले की स्थापना हुई थी, जो कि कुतुब मीनार से 8 किलोमीटर दूर है और यहाँ इसके अवशेष कुछ कुतुब मीनार में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये अवशेष बेसिकली इसको किसने बनाया था, ये बताइए आप? इसको बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अच्छा, ये किले की जो नींव रखी थी उसने गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। अब यहाँ पे भी क्या है ऐसा एक्सप्लोर करने के लिए जो यूज़ किया देखा जा सकता है? वैसे तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ की ज़्यादातर दीवारें जो हैं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ देखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कुछ अवशेष हैं जो लोग दफनाए गए हुए हैं, उनके जो क्या कहते हैं मकबरे हैं वो आप देख सकते हैं। इससे थोड़ी ही दूर पर आपको एक मकबरा मिल जाएगा जो कि अभी मतलब अच्छी स्थिति में है, तो वो देखने लायक चीज़ें। अच्छा, उसको विजिट करने के लिए किस टाइम आना पड़ता है लगभग? उसको विजिट करने के लिए आपको एक समय निर्धारित है, सूर्यास्त के बाद वो किला बंद हो जाएगा और सूर्योदय के होते ही वो किला चालू हो जाता है। हम आ गए हैं आदिलाबाद के किले में और यहाँ देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें अभी बची हैं और क्या क्या चीज़ें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इस आदिलाबाद के किले को गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, जो कि कुतुब मीनार से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। और ये किला बहुत ही भव्य और विशालकाय रहा होगा। इसके अवशेष देखने से हमें यह पता चलता है कि इसकी भव्यता का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी जो दीवारें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी चौड़ाई, उनकी मोटाई और उनके आकार। देखिए ये दोस्तों, जो ये सारी चीज़ें बनी हैं, यहाँ पर सैनिक अपनी पोजीशन पर होते थे कि अगर दरवाजे पर कोई भी आ रहा है तो वो उसे ऊपर से ही देख लेते थे और उसे आइडेंटिफाई करते थे। देखिए ये मेन डोर है, तो मेन डोर को देखने के लिए यहाँ सैनिक पहले से ही, ये दीवार जो दिख रही है जगह जगह इसमें कुछ गैप हैं और खाली जगह छोड़ी गई हैं जिनसे पहले से ही पता चल जाए कि गेट पर कौन आया है और उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये मेन डोर है दोस्तों, इसकी डिजाइनिंग ऐसे की गई है कि बाहर का व्यक्ति जो है आए वो अंदर वाले को ना देख पाए, लेकिन अंदर वाला जो है वो बाहर वाले को देख ले। तो देख सकते हैं आप, ये किला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और यहाँ आने के लिए कोई टिकट भी नहीं लगता। ये दोस्त हैं हमारे, दीपक है जो कि किला एक्सप्लोर करने आया है, देखने आया है, उसे गांव से आया हूँ मैं किला एक्सप्लोर करने, ये भी देखना है। ये गांव से आया है और ये कुछ कहना चाहता है, देखो क्या कहता है। बेसिकली आप यहाँ आए हैं और ये लोकल साउथ दिल्ली में आप जब आएंगे संगम विहार वाले एरिया में, तो आप इस किले को देख सकते हैं। ये बेसिकली खंडर हो चुका है, इसका जो ओरिजिनल पार्ट है
आप टिकट दे के देखवाए, हम सस्ते आदमी से फ्री में देखने चाह रहे हैं। तो जिसकी बात इन्होंने की है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा जूम करके शायद मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ मैं। ये देखिए लाइटिंग, कुछ लाइटिंग आपको दिख रही है थोड़ी थोड़ी बहुत, वो देखिए किले के सामने वो पेड़ है। जाते थे हम वहाँ भी लेकिन हमने लेट कर दिया और 5 बजे के सूर्यास्त के बाद वो किला बंद हो जाता है दोस्तों। ये जो देख पा रहे हैं आप लाइटिंग, कैमरे में थोड़ा ब्लर हो गया क्योंकि नाइट का टाइम हो चुका है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो दिलीप दोस्तों आगे का देखते हैं, आगे और क्या अवशेष हम आप लोगों को दिखा सकते हैं। उसके लिए धीरे धीरे कदमों से ये अनिल का साथ हम जा रहे हैं। शाम हो चुकी है इसलिए थोड़ा सा विजुअल्स कम हो सकते हैं। ये इसमें से कह सकते हैं आप साउथ दिल्ली का जो ये खानपुर और संगम विहार वाला एरिया है, आधे ज़्यादा इसके अंदर बसाया जा सका है। ये जो सामने आपको लाइटें दिख रही हैं बेसिकली ये शूटिंग रेंज है यहाँ का, देख रहे हैं आप ये सामने एकदम ये सारा पार्ट लिया गया है एक तरीके से, मतलब ख़त्म कर दिया गया है। पहले ये पूरा एरिया तुगलकाबाद किले के ही अंदर था, वो आप देख रहे हैं बीच में आपको एक लाइनिंग सी दिख रही होगी, ये जो है उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री से है। और उसके जो बाहर के एरिया हैं ये सारे एरिया तुगलकाबाद के अंदर ही आते थे बेसिकली। ये एक किले का एक छोटा सा पार्ट है, ये भी आगे इसमें बावली भी है, खंडर भी हैं। ये जब मैं पहले यहाँ आया था तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बावली हुआ करती थी, अभी चल के देखते हैं कि वहाँ बावली है या नहीं है। चलो पहले देखते हैं फिर पता लगेगा। यहाँ कुछ रूमर्स भी फैले हुए हैं, जैसे लगता है कि शाम को यहाँ पे कुछ भूत प्रेत टाइप के निकलते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है। जैसे बिना खौफ के घूम रहे हैं जैसे मेरे साथ वाले, मुझे नहीं लगता कि यहाँ भूत प्रेत होंगे। बेसिकली यहाँ पे जैसे पुराने लोग रहा करते थे। अब हम जा रहे हैं जैसे खरी बावली की तरफ, तो वहाँ देखते हैं वहाँ का क्या है, क्योंकि हम दिन में तो बहुत बार आए हुए हैं लेकिन रात को नहीं आ पाए थे, तो रात में देखते हैं बेसिकली क्या क्या है यहाँ पर। धीरे धीरे आ चुके हैं खरी बावली की तरफ, बावली है या नहीं है या पट चुकी है बेसिकली। ये सामने एक पेड़ आ चुका है, नहीं इससे अगर हम आगे बढ़ते तो हम आपको बावली दिखा सकते थे। अभी हम नीचे से जाके दिखाते हैं आपको। किले के पीछे साइड हम आ चुके हैं, किले के पीछे साइड हमें एक कुआं जैसा बेसिकली, वो बावली है, बावली जिसे कहते थे पहले, जहाँ राजा महाराजा स्नान किया करते थे और उसी में पानी पिया करते थे। तो दोस्तों ये थोड़ा टिपिकल सा रास्ता है क्योंकि यहाँ रास्ते में झांखर जिसे कहते हैं कांटा कूटा है, और ये हमें यहाँ चढ़ना पड़ेगा। देखिए चढ़ते हैं और दोस्तों संभाल के नहीं आप बावली में गिर भी सकते हैं। तो देखिए बहुत गहरी बावली है जो कि कूड़े से पट चुकी है और इसी दीवालों के खंडहर से मतलब ये पट चुकी है, और इसमें पेड़ भी उग गए हैं। तो दोस्तों पूरा काला काला दिख रहा है क्योंकि नाइट का समय है, फ्लैश जलाने पर आपको कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा होगा। तो दोस्तों बावली अभी तक किले के पीछे साइड में बावली अभी भी है। और दोस्तों हमने यहाँ पर एक अजंबा देखा है, ये छोटी बावली है, बड़ी बावली इसके जस्ट बगल में है जो कि काफ़ी गहरी भी है और इससे बड़ी भी दिख रही है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये बावली पीछे वाली सी बहुत बड़ी लग रही है मुझे, और क्या मुझे एक बावली और मिल गई। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि चार चार बावली हैं दोस्तों, ये देखिए मतलब हम एक बावली के चक्कर में आए थे और हमें चार चार बावलियाँ देखने को मिल गई। बावली एक तरह का कुआं होता है जो पहले पानी पीने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों चलो हम आगे चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए बावली मिलने के बाद इनका रिएक्शन देखिए, ये भी बावली खेल गए हैं, बावली गेंद बन गए हैं ये भी देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम किले के एकदम बैक साइड में हैं और यहाँ से देखिए हमें नीचे उतरना है, दीवार थोड़ी ऊंची है और हमें संभल के उतरना है। तो देखिए हम उतरते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम किले के बैक साइड में आ चुके हैं जहाँ एक डोर देखने को मिल रहा है, लोहे का एक दरवाजा लगा हुआ है
तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर किले की बनावट इसी तरह हुई है कि यहाँ बाहर का सब कुछ दिखे लेकिन अंदर का कुछ भी ना दिखे। तो दोस्तों ये किले का सबसे बैक साइड है, तो हम बाहर ना जाते हुए सेफ्टी के पर्पज़ आए यहाँ पे घूमने बेसिकली। तो कैसा लगा आपको यहाँ का एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि जैसे हमारे कोई दर्शक आना चाहे तो यहाँ पे क्या क्या देख सकता है? दोस्तों इस किले को देखकर मुझे ये लगा कि जैसे बिना संसाधन के, पहले इतनी फैक्ट्रियाँ, इतने संसाधन, इतनी चीज़ें नहीं हुआ करती थी जैसे अब के ज़माने में है। हमें कोई भी बिल्डिंग बनानी हो तो बड़ी बड़ी क्रेनें होती हैं और बड़े बड़े संसाधन हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े उपकरण हैं। तो ये दीवारें और ये इसकी बनावट देख के मुझे ऐसा लगा कि पहले के ज़माने में बिना संसाधनों के हम कितने विकसित थे, और ये किले ऐसे बनावट के बने हुए हैं, ऐसा बता रहे हैं कि हम बिना संसाधन के भी अगर कुछ ठान लें, कुछ करना चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनकी मजबूती देखकर ये 1321 से लगभग खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, अब तो जर्जर स्थिति में है। लेकिन दोस्तों देखो 1300 से अब चल रहा है 2022, तो इनकी मजबूती का क्या राज है? लगभग 700-800 साल, 700-800 साल खड़े रहे ना। आज की बिल्डिंगें देखो, एक साल में, दो साल में, ज्यादा से ज्यादा 15 साल में। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पुरानी लाइफ को खत्म कर रही है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन हम तकनीकी की ओर जितना आगे जा रहे हैं, हमने अपनी पूरी चीजें जो है पुरानी प्राचीन काल की चीजें वो मिस करते जा रहे हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए और हमें अपने भारत को और आगे ले जाने के लिए इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था और इन्होंने क्या मटेरियल यूज किया था जो इतने मतलब 800-700 साल तक ऐसे खड़ी हैं ये इमारतें। तो दोस्तों इसे देखकर हमें यही लगा, अच्छा लगा दोस्तों। अभी जर्जर स्थिति में है लेकिन फिर भी जो है हमारा, और कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं कि आप अपना अगला ब्लॉग क्या देखना चाहते हैं और क्या चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों आपके यहाँ तक आने के लिए, वीडियो देखने के लिए। आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब की मुझे ज़रूरत है, आप सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।